एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो बच्चा मिस हाशिरा को वो चाबी देने से मना कर रहा होता है। तब तांजीरो सोचता है, क्या ये दोनों फाइटिंग कर रहे हैं? अब मुझे क्या करना चाहिए? ऐसे किसी के ऊपर नजर रखना बुरी बात होती है, पर अगर ये लोग लड़ रहे हैं तो मुझे इन्हें रोकना चाहिए। तभी हम देखते हैं मिस हाशिरा उस बच्चे को बेहोश कर देता है। तभी तांजीरो मिस हाशिरा को रोकने वहाँ जाता है और कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? इसके ऊपर से अपना हाथ हटाओ। और सोचता है, मैं इसका हाथ क्यों नहीं हटा पा रहा हूँ? ये ना ही इतना ताकतवर दिखता है और ना ही ये मुझसे बड़ा है, तो मैं इसका हाथ क्यों नहीं हिला पा रहा हूँ। पर तब मिस हाशिरा तांजीरो को उसका हाथ हटाने के लिए कहता है और उसके पेट पे हमला करता है और कहता है, तुम बहुत कमजोर हो, ये तो बहुत चौंका देने वाली बात है कि तुम डेमन स्लेयर में कैसे आ गए। पर रुको, मुझे तुम्हारे इस बॉक्स में से एक डीमन के होने का एहसास हो रहा है। और तब तांजीरो कहता है, इसे छूने की हिम्मत मत करना। पर तभी हम देखते हैं तांजीरो उस बच्चे को मिस हाशिरा से छीन लेता है और वो बच्चा कह रहा होता है, मैं किसी को ये चाबी नहीं दूंगा, चाहे तुम मुझे कितना मर्जी मारो, अगर इसे एक बार और ट्राई किया गया तो ये टूट जाएगा। तब मिस हाशिरा कहता है, क्या तुमने कभी टॉर्चर ट्रेनिंग की है? इस ट्रेनिंग को तो बड़े से बड़े लोग भी नहीं कर पाए हैं और तुम तो कुछ भी नहीं हो। मैं ये देख पा रहा हूँ कि तुम एक बेवकूफ हो। तो क्या हुआ अगर ये टूट जाएगा? तुम एक और बना लेना। तुम्हें क्या लगता है कितने लोग मारे जाएंगे जब तक तुम इन छोटी छोटी बातों पर चिंता करते रहोगे? और जो ये तुम कर रहे हो, इससे एक हाशिरा की ड्यूटी में दखलअंदाजी हो रही है। एक हाशिरा का वक्त तुम लोगों से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और अगर तुम इसके बारे में सोचोगे तब तुम्हें खुद एहसास हो जाएगा, जो लोग तलवार बनाते हैं वो लड़ नहीं सकते, तुम किसी की जान नहीं बचा सकते, तो चुपचाप मुझे वो चाबी दे दो और जब भी तुम कुछ करो तो अपनी जगह याद रखना। और तब तांजीरो मिस हाशिरा के हाथ पर एक थप्पड़ मारता है और कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें क्यों बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, ना ही तुम्हारे पास कोई चतुराई है और ऊपर से तुम बहुत निर्दयी हो। तब मिस हाशिरा कहता है, क्या तुम्हें ये निर्दयता दिखती है? तब तांजीरो कहता है, मैं मानता हूँ कि तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही है, पर उसके साथ साथ ये गलत भी है, क्योंकि एक तलवार को बनाना बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। एक तलवार बनाने वाले की स्किल हमसे बहुत अलग है, क्योंकि अगर वो हमारे लिए तलवार नहीं बनाएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एक तलवारबाज और एक तलवार बनाने वाले को एक दूसरे की जरूरत है, क्योंकि हम लोग एक ही लड़ाई लड़ रहे हैं। तब मिस हाशिरा कहता है, माफ करना, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं तुम्हारी स्पीच को सुन सकूं। और हम देखते हैं वो तांजीरो को बेहोश कर देता है। और तब हम देखते हैं वो बच्चा किसी से बात कर रहा होता है और वो पर्सन तांजीरो के होश में आने से पहले ही चला जाता है। तभी तांजीरो अचानक से उठकर कहता है, क्या मिस्टर हैगन नेज़ुका यहाँ थे? तब वो बच्चा मना कर देता है। तांजीरो कहता है, तो शायद वो मेरी इमेजिनेशन होगी, आखिरकार वो हाशिरा कहाँ गया? वो बच्चा कहता है, मैंने उसे की दे दी थी जिस वजह से वो यहाँ से चला गया। अब तांजीरो कहता है, ऐसी बात है, लगता है तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं थी, पर मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तब वो बच्चा कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, तुमने तो मुझे खुश किया है, मैं तो तुम्हारे लिए अनजान था, पर फिर भी तुम मेरे लिए खड़े रहे। तांजीरो कहता है, आखिरकार वो पर्सन कहाँ गया जो यहाँ पर खड़ा था? तब वो लड़का कहता है, वो एक मैकेनिकल डॉल थी और वो हाशिरा उसे ले गया, उससे वो की उस डॉल को मूव करवाने के लिए चाहिए थी। तब तांजीरो कहता है, पर हाशिरा को उससे क्या काम था? तो वो बच्चा कहता है, वो डॉल बहुत स्पेशल थी, वो डॉल किसी भी ह्यूमन को हरा सकती थी और उसके पास 108 मूव्स थे और उसे कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए यूज किया जाता था। पर तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है और तब वो दोनों उस आवाज की तरफ दौड़ने लगते हैं। और यहाँ हम देखते हैं मिस हाशिरा उस डॉल के साथ लड़ रहा होता है। तब वो लड़का कहता है, ये मेरे पूर्वजों की बनाई हुई डॉल है जिसका नाम है यूरिची टाइप 0। तांजीरो पूछता है, आखिरकार इसके 6 हाथ क्यों है? तब वो बच्चा कहता है, मेरे फादर के हिसाब से इस डॉल को एक असली तलवारबाज के हिसाब से बनाया गया है, पर उसके सारे मूव्स अब तक परफॉर्म नहीं किए जा सकते थे जब तक तुम इस डॉल को 6 बाहें ना दे दें। तांजीरो सोचता है, मैंने इस चेहरे को पहले भी कहीं देखा है, और पूछता है, आखिरकार वो स्वॉर्ड्समैन कौन था? तब वो बच्चा कहता है, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, वो तो सेंगोकू पीरियड में था। तब तांजीरो हैरान होकर कहता है, तो इसका मतलब वो 300 साल पहले था, तो इसका मतलब ये डॉल तब से नहीं टूटी है। तब वो बच्चा कहता है, ये टेक्नोलॉजी बहुत ही कमाल की थी और हम आज तक इस टेक्नोलॉजी तक नहीं पहुंच सके, तो अगर ये अब टूटी तो इससे कोई ठीक नहीं कर पाएगा। मेरे फादर मर चुके हैं और मेरा कोई भाई बहन भी नहीं है, तो मुझे ही ये सब कुछ देखना होगा, पर मैं ना ही मैकेनिकल डॉल्स में अच्छा हूँ और ना ही तलवार बनाने में। तब तांजीरो कहता है, तो तुम इस वजह से परेशान हो? और सोचता है, ये हाशिरा तो बहुत कमाल का है और ये मेरी उम्र का लगता है, ये तो काफी ज्यादा टैलेंटेड है। पर तभी एक क्रो कहती है, तुम इससे
क्या एक्सपेक्ट करते हो? आखिरकार ये उस तलवारबाज का डिसेंडेंट है जिसे सन ब्रीथिंग टेक्निक आती थी। ये तुम जैसे से बहुत अलग है। कप्तान जीरो कहता है, सन ब्रीथिंग द फर्स्ट ब्रीथिंग स्टाइल, ये लड़का तो सच में बहुत कमाल का है, पर ये तो सन ब्रीथिंग इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। और तब वो क्रू तांजीरो के गाल पर काट देती है। तांजीरो कहता है, अब मुझे याद आया, मैंने इस आदमी को मेरे ड्रीम में देखा था। तब वो क्रू कहती है, क्या तुम पागल हो? क्या तुम कभी इस विलेज में भी आए हो? तुम तो मुझे हंसी दिला रहे हो। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम एक ऐसे आदमी से मिले हो जो कि सेंगोकू पीरियड में एग्जिस्ट करता था। आखिरकार तुम कितने बूढ़े हो चुके हो? तब तांजीरो कहता है, मुझे माफ कर दो, लगता है मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है। वो लड़का कहता है, ऐसी बात नहीं है, शायद तुम्हारी मेमोरीज इनहेरिटेड हो। हमारे विलेज में लोगों का कहना है कि तुम्हें केवल अपने पूर्वजों से अपना शरीर ही नहीं मिलता, तुम्हें उनकी मेमोरीज भी मिल सकती हैं। इसका मतलब जो तुमने ड्रीम देखा है वो तुम्हारे पूर्वजों की मेमोरीज होंगी। तब तांजीरो उसे थैंक यू कहके अपना नाम बताता है। तब वो लड़का अपना नाम और तेत्सू बताता है। पर तभी अचानक हम देखते हैं मिस छाशिरा उस जॉल के कुछ पुर्जों को तोड़ देता है, जिससे वो बच्चा निराश होकर वहाँ से चला जाता है और तांजीरो उसे ढूंढने निकल जाता है। और तब वो उसे एक पेड़ पर चढ़ा हुआ मिलता है और कहता है, अगर मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ तो मैं जरूर करना चाहूंगा। तुम अपने डॉल को लेकर उम्मीदें नहीं खो सकते, तुम्हारा भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तो तुम्हें उस फ्यूचर के लिए मेहनत करनी होगी और देखना तुम वो कर पाओगे जो तुम आज नहीं कर सकते। तब वो लड़का कहता है, ऐसा नहीं होने वाला, मेरे पूर्वजों की टेक्निक मेरी वजह से खत्म हो जाएगी। तब तांजीरो उसे एक उंगली मारता है और कहता है, अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें अपने बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए, चाहे तुम खुद के लिए ये नहीं कर सकते पर कोई ना कोई तो होगा जो तुम्हारे लिए ये करेगा, तो तुम्हें बस इतना करना है कि तुम इस स्किल को आगे पास कर सको। मैं मुजान की बदसूजी को हराना चाहता हूँ और मैं अपनी बहन को बचाना चाहता हूँ, पर शायद मैं ये सब कुछ करने से पहले ही मर जाऊँ, पर मुझे इतना यकीन है कि कोई ना कोई तो जरूर होगा जो मेरे लिए ये काम पूरा करेगा, जैसे कि हम एक अपर रैंक को हरा पाए हैं उन लोगों की लाइफ को गवा कर जो हमसे जुड़े हुए थे। तो फिर एक दिन वो जरूर आएगा जिस दिन वो जिंदगियां जो हमसे जुड़ी हुई हैं वो मुजान की बदसूजी को हरा देंगी, तो हमें अपना बेस्ट देना चाहिए। कोतेत्सू कहता है, मैं उस जोन को टूटते हुए नहीं देख सकता, पर अब मैंने अपना माइंड बना लिया है, ये कॉम्बैट ट्रेनिंग रात तक चलेगी और मैं इसे अंत तक देखूंगा। पर तभी वो दोनों मिस छाशिरा को अपने पास से गुजरते हुए देखते हैं और तांजीरो कहता है, क्या तुमने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली? मिस छाशिरा कहता है, हाँ कर ली और इसमें बहुत मजा आया, और हाँ मेरी तलवार टूट चुकी है तो मैं इस तलवार को लेकर जा रहा हूँ। तब कोतेत्सू वहाँ से भाग जाता है और तब तांजीरो भी कोतेत्सू के पीछे चला जाता है और कोतेत्सू के पास जाकर कहता है, चलो इसे चला के देखते हैं कि ये अभी भी काम कर रही है। और तब कोतेत्सू उस डॉल के अंदर चाबी भरता है और तभी वो दोनों देखते हैं वो डॉल फिर से चलना स्टार्ट हो जाती है, जिसे देखकर तांजीरो बहुत खुश हो जाता है। पर तब कोतेत्सू कहता है, ये चल रही है तांजीरो और मैं चाहता हूँ कि तुम इस डॉल के साथ ट्रेनिंग करो ताकि तुम उस घमंडी इंसान से ज्यादा ताकतवर हो सको। तब तांजीरो सोचता है, क्या मुझे ये अभी करना होगा? और वो डॉल उस पर हमला कर देती है। और यह हम देखते हैं अगले दिन तांजीरो उस डॉल के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और कहता है, मैं मर जाऊंगा, ये 6 बाहें मेरे लिए बहुत ज्यादा है। तब कोतेत्सू कहता है, वहाँ सिर्फ 5 ही बाहें हैं, तो उठो और उस बच्चे से स्ट्रांग बनो और उसे कहना क्या तुम्हें बस इतनी ही ताकत है, तुम्हारे बाल बहुत लंबे हैं तो इसे कटवा लो, तुम बहुत अगली हो और तुम्हारी लातें भी बहुत छोटी हैं और तुम तो सुसाइड कर लो। तब तांजीरो कहता है, मैं ये सब कुछ नहीं कहूंगा। तब कोतेत्सू कहता है, प्लीज तुम यही कहना। और तभी वो डोल फिर से तांजीरो पर हमला कर देती है और तब तांजीरो सोचता है, चाहे मैं जो मर्जी कहूं पर मिस छाशिरा सच में बहुत ताकतवर है तो मुझे भी ताकतवर बनना होगा। और तब वो डॉल तांजीरो को दूर फेंक देती है। तब कोतेत्सू कहता है, तांजीरो अगर तुम इसमें ही मर जाओगे तो फिर तो तुम बहुत बेकार हो, मैं तुम्हें फिर से एक बार कहूंगा, तुम बहुत अलग तरीके से मूव कर रहे हो, मैं अपने अपोनेंट के मूव्स के अकॉर्डिंगली मूव करना चाहिए पर तुम ऐसा नहीं कर पा रहे हो। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तुम्हें तो बेसिक्स भी नहीं आते हैं, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि तुम अब तक जिंदा कैसे हो, मैं यहां तुम्हें तुम्हारी कमियां बताने आया हूं, तो मैं तुम्हें तब तक खाना नहीं दूंगा जब तक तुम वो सब कुछ नहीं कर लेते जो मैंने कहा है। और तब वो डॉल तांजीरो को फिर से फेंक देती है और कोतेत्सू फिर से तांजीरो को सुनाने लगता है और कहता है, ये 5वां दिन है और कल से मैं डॉल के हाथों में तलवारें दे दूंगा। तब तांजीरो कहता है, मैं सच में मरने वाला हूँ। और कोतेत्सू तांजीरो को खाना देने से मना कर देता है। तांजीरो सोचता है, कोतेत्सू कितना एनालिटिक पर्सन है, पर एक तलवारबाज इंस्ट्रक्टर होने के लिए ये एक नौसिखिया है, क्योंकि इसे ह्यूमन की लिमिट्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है, इसके ट्रेनिंग सेशंस बहुत खतरनाक है, अगर तुम इसकी डिमांड्स नहीं पूरी करोगे तो ये तुम्हारा
वाला खाना पीना दोनों बंद कर देगा और बिना खाना पीने के तो एक इंसान तो मर ही जाएगा। पर शुक्र है मैं इस बारिश की वजह से बचा हुआ हूँ। पर इसके बावजूद भी मैं इस ट्रेनिंग सेशन में बिना पानी, बिना खाने और बिना नींद के लड़ रहा हूँ। और अब मुझे लगता है मैं आफ्टर लाइफ का पुल क्रॉस कर रहा हूँ और भूख प्यास से एक रिवर में गिर जाता हूँ। ये रिवर बहुत डार्क है और बहुत भारी है, पर अचानक से मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई गर्म हाथों से मसाज कर रहा है। और तभी मुझे रिवर की गहराई में कुछ चमकता हुआ दिखता है और मैं उसकी तरफ चलता जाता हूँ। पर पता नहीं कैसे मैं पानी के अंदर भी इसकी स्मेल को महसूस कर सकता हूँ। और तभी यहाँ तांजीरो सोचता है, ये किस तरह की स्मेल है? ये स्मेल तो ओपनिंग थ्रेड से भी डिफरेंट है। और तब तांजीरो उस जॉल के मूवमेंट्स को रीड करने लगता है और उस पर हमला करने में कामयाब हो जाता है। तब केतत्सु कहता है, शाबाश तांजीरो, चाहे ये इतना खास नहीं था पर मैं फिर भी तुम्हें थोड़ा खाना दूंगा। और तब तांजीरो खाना खाते हुए रोने लगता है और हम देखते हैं वो फिर से ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता है और सोचता है, अब मैं इसकी मूवमेंट्स को समझ रहा हूँ और अब जब मेरा स्टेमिना वापिस आ गया है तो मैं इसका मुकाबला भी कर सकता हूँ। और मैं सिर्फ अपनी स्मेल से बता सकता हूँ कि ये कहाँ से स्ट्राइक करने वाला है। मुझे इसकी स्मेल का एहसास ओपनिंग थ्रेड से भी पहले आ जाता है। और तब तांजीरो उसके सिर पर हमला करने लगता है। कोतत्सु कहता है, तांजीरो हमला करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ये टूट जाए मैं इसे दोबारा से ठीक कर लूंगा। तांजीरो तुम अब नहीं झिझक सकते, मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता तांजीरो, तो तुम्हें बाकी सबसे ताकतवर होना ही होगा। और तब हम देखते हैं तांजीरो की तलवार टूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है और हम देखते हैं उस जॉर्ज का गला भी कट चुका होता है और उसके अंदर से कुछ निकलता है जिससे वो दोनों डर जाते हैं। कोतत्सु कहता है, आखिरकार ये क्या है? क्या ये 300 साल पहले की तलवार है? और तांजीरो खड़ा खड़ा शॉक हो जाता है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।